जो अल्लाह के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए मरते हैं। रज़ाए इलाही उनका मकसूद है, उनकी मंशा अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गुजरे तो हुजूर को एक खुशबू आई, तो जिब्रील अमीन से पूछा कि ये खुशबू किस चीज़ की है, तो कहा ये माश्ताए बिनते फिरौन की खुशबू है। फिरौन की बेटी को एक खातून कंघी किया करती थी, बनाओ संगार किया करती थी। एक दिन उसके हाथ से कंघी गिर गई, तो उसने कंघी पकड़ते हुए कहा कि अल्लाह के नाम से बर्बाद हो फिरौन। तो उसने कहा कि क्या मेरे बाप के अलावा भी कोई माबूद है? उसने कहा कि माबूद बरहक तो वो है और वही सच्चा माबूद है। तो जब फिरौन को पता चला तो उसने उसके पूरे ख़ानदान को अजियतों में मुबतला कर दिया। दो औलादें थी उसकी और एक शौहर था, तो उसको एक कड़ाहे के अंदर तेल डाल करके उसने उसके बच्चे को डाला, फिर दूसरे बच्चे को डाला। ये एक माँ के लिए कितना सख्त होता है। माँ का दिल थोड़ा ढोलने लगा, तो बच्चे ने वहाँ से आवाज़ दी कि अम्मी हक पर मुस्तकीम रहना, तो सच्चाई पर है, तो हक पर।